नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र में 14 फरवरी को मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई थी, जहां एक 6 साल की दिव्यांग मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जहां पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने 6 साल के दिव्यांग मासूम बच्चे को उस समय अपनी हवस का शिकार बना लिया जब उसके माता पिता खेत में मजदूरी करने गए हुए थे। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने बीती शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 14 फरवरी को शाम को इस पीड़िता के साथ दुष्कृत हुआ है, इसको लेकर सूचना मिली थी। तत्काल वहां पहुंचकर मौके पर पहुंचकर पीड़ित पक्ष को सुना गया, उसके मेडिकल उपचार की व्यवस्था कराई गई है और पुलिस को निर्देश दिए गए थे, तो उसमें आरोपी पुलिस अभिरक्षा में आ गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। ये माता पिता जब मजदूरी के लिए बाहर गए तो ये बच्ची अकेली थी घर पर, शारीरिक रूप से विकलांग है, 6 वर्षीय बच्ची है, तो उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। इसमें आरोपी को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है, उससे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।